हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को बाबा रामदेव जी के जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो दोस्तों मैं एक्चुअली 2 दिन पहले ही डालना चाहता था, जिस दिन आपका ये जो प्रेस नोट है ये रिलीज़ हुआ था, जिसके अंदर आपका जो RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है, नई एग्ज़ाम डेट वो डिक्लेयर कर दी गई है, जैसा कि आपको मालूम है। और लगभग अब आपको आपके पास जो है वो 5 महीने हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी भाई इस कन्फ्यूज़न के अंदर है कि उन्हें RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या फिर जो रीट 2019 की जो भर्ती आने वाली है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी तैयारी जो है वो उन्हें करनी चाहिए, ये कन्फ्यूज़न आपका कम्प्लीटली दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि लगभग 1 साल से, या जिसे हम कह सकते हैं कि 2018 से RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग अपना जो भी उनकी स्ट्रेटर्जी है या जो भी उनकी रणनीति है उसके अनुसार तैयारी करते रहें, उसके अंदर भी कोई भी जो है वो परिवर्तन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, यानी बहुत ही कम तैयारी जिनकी हुई है, या जो अब सोच रहे हैं भी हम लोग अब जो है वो कोचिंग लगेंगे या उसके बाद में जो भी भाई अभी जैसे BEd फाइनल ईयर के अंदर है या फिर जो MA फाइनल कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़रूरी जो है वो साबित होगी। और इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। निश्चित रूप से लगभग 50% से ज़्यादा जो आपका सेकंड पेपर आता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही आता है। और निश्चित रूप से जो सिलेक्शन आपका होगा उसके अंदर आपको कितना नॉलेज है ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टडी है आपकी उसका, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और इसका पता लगाने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका मैं मानता हूँ वो दोस्तों ये है कि आप लोग जो आपका पिछला एग्ज़ाम हुआ है RPSC फर्स्ट ग्रेड का वो उठाइए और उसके अंदर आप लोग सेकंड पेपर के अंदर देखिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के पेपर के अंदर पूछे गए हैं उनको हल कर पाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल सेकंड पेपर के अंदर, जिसके अंदर से 120 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी वगैरह से रिलेटेड होते हैं। तो उनको आप काउंट मत कीजिए, 120 में से अगर आप लगभग 40+ क्वेश्चन अभी कर रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अपनी जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप 50 के लगभग क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने जो है वो 100% देते हुए, क्योंकि लगभग अभी 4 महीने बाकी है पढ़ाई के लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि टोटल 5 महीने हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग 4 महीने तक जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, नई चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में 1 महीने के अंदर आप उन सभी अगर चीज़ों का रिवीजन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। लेकिन दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चन भी नहीं हल हो पा रहे हैं अभी आपसे, तो उस स्थिति के अंदर और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन के अंदर, तो फिर उस स्थिति के अंदर मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप लोग रीट के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि आप लोग RPSC फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कीजिए अभी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ भी रखिए कि अगर मान लीजिए मार्च के अंदर, जैसा कि आपको मालूम है कि रीट की वैकेंसी जो है वो रीट की भर्ती आ सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर रीट की वैकेंसीज अच्छी मात्रा के अंदर आती है, अच्छी संख्या के अंदर आती है, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग एकदम से जो है वो शिफ्ट हो पाएँ ज़रूर रीट की वैकेंसी के ऊपर और उसकी जो है वो तैयारी कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका है वो यही होगा। अगर आप साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही जो है वो स्थिति अच्छी है, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि फर्स्ट पेपर के अंदर आपके जो है वो RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आता है, और वही चीज़ें आपकी जो है वो रीट के अंदर भी पूछी जाती है। तो उन चीज़ों को जो कि कॉमन है दोनों पेपर्स के अंदर, उनको आप सबसे पहले कीजिए, अपने सब्जेक्ट को जो है वो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। उससे क्या होगा कि लगभग आप 1 महीने के अंदर अगर इतना भी कर लेते हैं भी, आप अपना हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर जो SST के स्टूडेंट हैं या जो आर्ट्स से
स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो अपना अगर SST का जो सब्जेक्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जो कि आपके रीट के सिलेबस से रिलेटेड भी हो और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड भी हो, और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं, तो इतना जो सिलेबस कवर करने के अंदर, और प्लस जो साइकोलॉजी के टॉपिक हैं, जो दोनों जो सिलेबस हैं, जो कि 2018 का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं जो रीट की वैकेंसी आई थी उसका, उससे मैच करके, और उतना आप साइकोलॉजी का भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को करने के अंदर आपको निश्चित रूप से लगभग 1 महीना लग जाएगा, और 1 महीने के अंदर अंदर पूरी पूरी संभावना है कि आपका जो रीट की विज्ञप्ति है वो जारी हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटजी बना करके और तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा होगा। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।